तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरी वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाला है टेलर Z5 की मूवी साइलेंस के बारे में। साइलेंस दोस्तों एक मर्डर मिस्ट्री मूवी होने वाली है जो Z5 पर रिलीज होगी। उसके लीड कैरेक्टर में है मनोज वाजपेयी और काफ़ी समय से बाद दिखने वाले एक्ट्रेस प्राची देसाई। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी कुछ इस तरह से होने वाली है कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाता है और वो मर्डर उसका केस मिलता है मनोज वाजपेयी और उसकी टीम को और उसे इस केस को सोल्व करना है। ये मूवी दोस्तों एक सस्पेंस थ्रिलर होने वाली है, लेकिन इस तरह की मूवी कब चलती है? इस तरह की मूवी जो होती है वो उसके क्लाइमैक्स और उसकी छोटी छोटी सस्पेंस और थ्रिल के ऊपर पूरी की पूरी मूवी चलती है। इसका क्लाइमैक्स कैसा होगा उसके ऊपर ही पूरी मूवी बेस होती है। मूवी हिट है या फ्लॉप है वो हमें मूवी का जो क्लाइमैक्स होता है उसमें जो सस्पेंस होता है, किस तरह का सस्पेंस है, उसके ऊपर पूरी मूवी डिपेंड रहती है। तो ये मूवी कई ट्रेलर के देख के एक बात तो पता चल गई है कि मूवी जो है वो काफ़ी दमदार होने वाली है, क्योंकि उसमें एक्टर्स जो है वो काफ़ी दमदार है। लेकिन एक बात है जो थोड़ी बुरी लगी, वो है Z5 का जो VFX है। वो Z5 का VFX हर मूवी और हर वेब सीरीज में खराब ही रहता है। इस ट्रेलर में भी आपने कहीं कहीं देखा होगा इसका VFX कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है। बाकी मनोज सर की जो एक्टिंग होने वाली है वो काफ़ी दमदार होने वाली है। प्राची देसाई की भी एक्टिंग है वो भी काफ़ी दमदार होने वाली है। अब दो बात है जो पूरी मूवी को सुपर हिट या हिट बनाएगी, वो है एक्टिंग और दूसरा उसका क्लाइमैक्स। एक्टिंग तो अच्छी होने ही वाली है, लेकिन अब इसका क्लाइमैक्स कैसा है, इसका सस्पेंस कैसा है, उसके ऊपर पूरी मूवी का फ्यूचर डिपेंड रहेगा। मूवी आ रही है दोस्तों Z5 पे, तो कितना वेट है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।